नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग ब्यूटिफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ इन्होंने नाम शेयर करने के लिए मना किया है लेकिन इन्होंने लिखा है कि मैं अलीगढ़ से हूँ और मेरी एज ट्वेंटी फाइव है और मैंने एस्ट्रोलॉजर्स की प्रोडक्शन को फेल कर दिया है मेरी फैमिली एस्ट्रोलॉजर्स पर बहुत बिलीव करती है और सबके सब एस्ट्रोलॉजर्स सब से उन्होंने जब मेरी कुंडली दिखाई तो उस कुंडली के अंदर मेरे पास में गवर्नमेंट जॉब नहीं थी मेरे पास में लव लाइफ नहीं थी मेरी लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही थी उन्होंने पूरी तरह से मुझे डरा करके रखा हुआ था और मेरे परिवार को भी इस वजह से मेरी पूरी फैमिली मुझे लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी पर मैं आपको 2020 से ही फॉलो कर रही हूँ और मुझे पता था कि मैं अपनी डेस्टिनी चेंज कर लूँगी जब मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया था तब मैं सिर्फ इक्कीस साल की थी और मैं बाईसवें में, में शुरू हुई हूँ और आपका वीडियो आया है मैंने इससे अपना बर्थडे गिफ्ट समझा था और आपको फॉलो करना शुरू किया था उसके बाद से मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दी थी और आज मैं गवर्नमेंट जॉब टीचर का एग्जाम क्लियर करके ही आपके सामने अपनी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ मैंने उन सब के मुंह बंद कर दिए जिन्होंने मेहनत के ऊपर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और कुंडली को रख दिया था मैंने मैंने इतनी मेहनत की पॉजिटिव दिए अपने लिए मैनिफेस्ट किया मैंने आपकी बताई हुई हर एक टेक्निक कर डाली और उसके बाद में मैंने ये सोचा कि भगवान जी मैंने अपना पढ़ाई से लेकर के अपने माइंड की प्रोग्रामिंग तक को हंड्रेड परसेंट दे दिया है अब आपकी मर्जी आप जो करोगे अगर मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया मैं पास हो गई तब भी मैं इसे एक्सेप्ट करूंगी क्योंकि मैं आपके वीडियो से सीख गई थी कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली क्या होता है आपको एक्सेप्ट करना होता है हंड्रेड परसेंट आपको एक्सेप्ट करना होता है मैंने अपने सच्चे दिल से भगवान को ऐसे ही बोला था और मैंने बस अपनी सारी बात वहाँ पर छोड़ दी थी मैं हर सावन में उपवास रखती हूँ और इस बार भी मैंने उपवास रखा हुआ है मैं आपके साथियों की सक्सेस स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि वो सारे लोगों को इस चीज़ से हिम्मत मिले जहाँ पर उनके प्रोडक्शंस बहुत नेगेटिव आई हैं मेरे लाइफ में भी ऐसे ही हुआ था मेरे पार्टनर के साथ अब मेरी शादी की बात चलनी शुरू हो गई है और मेरे पार्टनर इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं वो इंसान हर कदम पर मेरा स्टैंड लेता है हम पिछले दो तो साल से रिलेशन में हैं उन्होंने मेरी हर जगह पर मदद की है और अब हम लोग शादी भी करने वाले हैं मैंने उनको ये कहा कि मैं एक साल रुक करके शादी करना चाहती हूँ उन्होंने इस वाली बात पर भी एग्री कर लिया है और अभी हमारी फैमिलीज एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं हमारे इंगेजमेंट होने वाली है अभी जब हमारे इंगेजमेंट हो जाएगी तभी मैं आपको अपनी फोटोज़ भी शेयर करूंगी मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैंने अपनी शादी के लिए अपनी लव लाइफ़ के लिए अपनी मैरिज लाइफ के लिए अपने करियर के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए हर चीज़ के लिए मैंने टेक्निक की है अपने माइंड को रीप्रोग्राम किया है और आज मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि मैं सबको फेल करके यहाँ तक पहुंच गई मैं लोगों को फेल करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं उन प्रोडिक्श को फेल करने की बात कर रही हूँ जो हमारे माइंड में नेगेटिव रूप से बैठाने की कोशिश की जाती है और हम नेगेटिव होकर के फिर उसे मैनिफेस्ट भी करते हैं आपका ही मैंने एस्ट्रोलॉजी वाला वीडियो देखा था तभी मेरे अंदर ये हिम्मत आई थी थैंक यू सो मच आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे हर हर महादेव थैंक यू क्या बात है यार थैंक यू ये भी एकदम तरोताजा सक्सेस स्टोरी है एक्चुअली आज है ना मैंने आ, पीछे से कोई भी सक्सेस स्टोरी नहीं ली आज मुझे जो स्टोरीज रिसीव हुई हैं वो दोनों की दोनों एकदम ताजा ताजा मोड में बैठे बैठे मैंने शेयर कर दी यार कभी कभी हो जाता है कि एक एक साल पुरानी भी अभी भी पड़ी हुई है एक एक साल छः छः महीने आठ आठ महीने नौ नौ महीने दस दस महीने पहले की भी सक्सेस स्टोरीज पड़ी है पर आज पता नहीं क्या मूड हुआ दो बैक टू बैक सक्सेस स्टोरीज आई और मैंने दो की दो बैक टू बैक सक्सेस स्टोरीज ही पिक कर ली और मैं ऐसा करती नहीं वैसे मैं पीछे जाती हूँ फिर सक्सेस स्टोरीज पिक करती हूँ पर पता नहीं शायद यूनिवर्स का कोई साइन होगा भाई इसमें भी आप में से किसी की एकदम तुरंत हेल्प की जरूरत होगी तो यूनिवर्स ने आपके लिए मैनिफेस्ट कर दिया है आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि आप लोग इस तरीके से इसको फॉलो करके समझ करके कर रहे हो क्या आपको इस तरीके के और कमाल के रिजल्ट्स आ रहे हैं ऑफ टू यू गर्ल सीरियसली थैंक यू सो मच डियर कि आपने ये किया क्योंकि ये सिर्फ मैं बोल करके बताती हूँ या मैं करके बताती हूं या मैंने अपनी लाइफ में उतारा है तो वो उस चीज को एक्टली exactly वैसे जोड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन जब आप अपनी लाइफ में उसे करके देखते हो और उतार के देखते हो वैसे मुझे भी समझाना इजी होता है और आप लोगों तो का करना भी इजी होता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन आपकी लव मैरिज ही होगी और वो लव मैरिज बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि मैंने खुद ऐसी एक प्रोडक्शन का सामना किया था मुझे लगा क्या है यार कुछ भी बोल देते हैं यार है ना तो मैनिफेस्ट होता है अगर आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करते हो अपने ऊपर काम लगातार करते हो अपने माइंड पर अपने थॉट्स पर अपने होने पर और ज्यादा इन चीजों में नहीं फंसते हो तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलती ही मिलती है गवर्नमेंट जॉब इनको बोल दिया था कि नहीं लगेगी पहले भी एक सक्सेस स्टोरी आ चुकी है मैंने शेयर किया था उनको सेवन बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर मतलब लाखों रुपए वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स पे खर्च करके आए थे मेरे पास में और उनको भी यही बोला था कि मैं लिख करके दे सकता हूँ तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो मैंने उनको यही बोला अब तुम लिख करके दो कि लो तुम्हारे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है उसके बाद मुझे पता है वो कुछ और ही निकाल करके आपके सामने रख देंगे तो अपने माइंड के तो उसे मत जाने दो पॉजिटिव रहो आपको सफलता जरूर मिलेगी अपने अंदर रखिए ख्याल अपने उसके जो ढेर ज्यादा प्यार था कि बट एक्ट करें ठीक है सारा प्यार टाटा